स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी भी फूड चेन में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो हर एक ट्रॉपिकल लेवल पर इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे होता है उनके अंदर प्लांट से वो केमिकल्स पहुंच जाते हैं, फिर सेकंड ट्रॉपिकल लेवल पर उनकी कंसंट्रेशन और इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वो बहुत सारे फूड सोर्सेज लेते हैं और सभी फूड सोर्सेज से उनके पास कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने लगती है। इसी तरह से जो टॉप मोस्ट ट्रॉपिकल लेवल पे होता है उसके अंदर उन नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड दिस फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंस इन द टॉप ट्रॉपिकल लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यूरॉन्स क्लासेस को, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। बाय बाय।